हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ जो कि है रैंडम रूम के ऊपर, गर्ल्स हॉस्टल में कैसे रूम होते हैं। ये आउटर व्यू है गर्ल्स हॉस्टल का। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, रेनी डे है और आप देख सकते हो बारिश हो रही है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। सो नाउ आई एम गोना शो यू रूम्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before that, I'm gonna introduce you guys with my friends Ritika and Archana. So आज हम जा रहे हैं रितिका का रूम देखने और फिर जाएंगे अर्चना का रूम देखने। तो ये है हमारा आउटर हॉस्टल, सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल। बारिश हो रही है, सो चलिए। सो ये हमारी गर्ल्स हॉस्टल का जो मेन डोर है वो है, सो लेट्स गो। ये मेन एंट्रेंस और सरोजनी नायडू। सो अपस्टेयर्स में रहते हैं हम लोग, तो हम जाएंगे अब ऊपर और अर्चना के रूम पे। सो गाइस, दिस इज द व्यू टुडे। हम आ चुके हैं रूम नंबर 416 में जो है अर्चना का रूम। सो ऐसा दिखता है गर्ल्स हॉस्टल का एक रूम। ये आपको बुक्स रैक मिलेंगे यहाँ पे और ये उसने बहुत प्यारा सा मंदिर बना रखा है। स्टडी टेबल, बेड, अनदर बेड, वॉल पे बहुत सुंदर से गणपति बप्पा हैंग हो रखे हैं एंड दैट्स इट। सो रूम में आपको मिलते हैं कवर्ड, एक इंडिविजुअल को एक कवर्ड मिलता है और साथ में ये अटैच वॉशरूम। सो या दिस इज द लुक। रितिका हाय गाइस, चलते हैं अब हम रैंडम रूम में। यस, मिस्ट्री रूम में। रूम खुल चुका है। कभी लोग तुम लोग। और गाइस, ये है एक रैंडम रूम, आप देख सकते हो ऐसा दिखता है। ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? ऐसा गंदा ब्लॉग। ये पढ़ाई करने वाले हॉस्टल में। ये है इसका स्टडी टेबल गाइस। और अब हम जा रहे हैं बाहर की साइड। सो ये है बाहर का व्यू। ये है माता गुजरी हॉस्टल और ये हमारा वाला हॉस्टल है। और आज का रेनी वेदर एंड दिस इज द व्यू फाइनल। इसने बहुत प्यारा सा प्लांट लगा रखा है, this one, so I hope you like this video. See you guys in the next vlog. Bye bye, take care.